वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Vivo T1 5G मोबाइल में आप डबल टैप करने से स्क्रीन को ऑन और ऑफ कैसे करें। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल में जैसे ही डबल टैप करते हैं हमारा स्क्रीन ऑफ हो रहा है और ऑन हो रहा है। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल में कैसे इसको इनेबल करेंगे, यानी कि दोस्तों कैसे इसको सेटिंग से जाके चालू करेंगे। तो दोस्तों, आपको डबल टैप सेटिंग से इनेबल करने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। जैसे ही सेटिंग ओपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब आपको करना क्या, थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे नीचे आने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट मोशन का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको स्मार्ट मोशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आगे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, राइज टू वॉक। तो दोस्तों आपको उसके सामने जो टिक है उसको आपको इनेबल कर देना है। और दोस्तों उसके नीचे ऑप्शन एक आप देखने को मिलेगा, डबल टैप टू लाइट का ऑप्शन। दोस्तों उसको भी यहाँ से इनेबल कर देंगे। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न ऑफ का। तो दोस्तों आपको इसको भी यहाँ से इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद दोस्तों ये आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। आने के बाद आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा डबल टैप करने से स्क्रीन ऑन और ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप Vivo T1 5G मोबाइल में आसानी से डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन और ऑफ कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से सही जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।